दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं सूरत बस स्टैंड के ऊपर हूँ। ये सूरत बस स्टैंड का नज़ारा है। ये 10 नंबर काउंटर इधर है, ये इधर 9 नंबर है, और ये हमारी बस है जो हमें वापी तक लेके जाएगी और वापी से हम चेंज करेंगे, दमन की दूसरी बस लेंगे और इस बस में वापी तक चलते हैं। आइए सफ़र शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखें और आप मेरे साथ पूरा सफ़र को एंजॉय करें। तो आइए शुरू करते हैं, लेते हैं अपनी सीट, बैठते हैं। वापी 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 तक का हमारा सफ़र इस बस में 120 किलोमीटर तकरीबन होने वाला है, और उस 120 किलोमीटर के लिए तकरीबन 2 से 2.5 घंटा ये बस लेगी। और आगे वापी से दमन तो नज़दीक है, 10-12 किलोमीटर ही है। ये हमने सूरत से रवानगी कर ली है। बस स्टैंड से बाहर हमारी गाड़ी निकल गई है। नवसारी पहुंच गए हैं और ये पूरा नवसारी का ही व्यू है। नवसारी का बस स्टैंड
हाईवे पर आ गए हैं। पहले वलसाड तक लोकल जो रोड थी उस रोड पे हम लोग चल के आए थे, लेकिन अभी ये मुंबई वाला हाईवे हमने पकड़ लिया है, कभी जल्दी ही वापस हम पहुंच जाएंगे। समरोली का बस स्टैंड आ गया है, समरोली से हम बाहर निकल गए हैं बस स्टैंड से वापस हाईवे की तरफ। अभी हम वलसाड पहुंच गए हैं। ये वलसाड का बस स्टैंड, वापी बस स्टैंड, सॉरी वलसाड बस स्टैंड से बाहर निकल गए अभी वापिस, और अभी वापी यहाँ से थोड़ा ही है, थोड़ी देर में हम वापी पहुँच जाएंगे। वापी का बस स्टैंड, हम यहाँ पहुँच गए अभी बस स्टैंड पर। यहाँ से हमें दमन जाना है, तो दमन का देखते हैं हमें क्या साधन मिल सकता है, कौन सी बस मिलती है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी हमें ये बस मिला है दूसरा दमन के लिए, जो 15 से 20 मिनट में दमन पहुँच जाएगा। काफ़ी देर के बाद ये बस आया है, चलिए पहुँचते हैं दमन।